स्कैम क्या होता है? स्कैम माने किसी को भरोसा दिलाकर अपना मकसद पूरा करके फिर उसे धोखा दे देना, उसे हम लोग स्कैम कहते हैं। इन शॉर्ट, किसी का भरोसा तोड़ना उसे स्कैम कहते हैं। और जो आदमी स्कैम करता उसे स्कैमर या स्कैम आर्टिस्ट बोलते हैं, और जो स्कैम जिसके ऊपर होता उसे विक्टिम कहते हैं। और इंजीनियरिंग के मामले में स्कैमर सोसाइटी ही होता है और विक्टिम या तो स्टूडेंट या तो पेरेंट। एक चीज जो नोट कर लेना चाहिए, इंजीनियरिंग अपने में कोई स्कैम नहीं है। इंजीनियरिंग तो एक बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है, पढ़ाई का एक एडुकेशन का एक फील्ड है, जिसके बिना ह्यूमन एवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, इंसान आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। मगर स्कैम कहाँ आता है? स्कैम इंजीनियरिंग को जैसे कंडक्ट किया जाता है, जिस तरीके से एग्जाम्स इंजीनियरिंग के कंडक्ट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को जिस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, उस एग्जाम के लिए जो झूठ बोल बोलकर प्रिपेयर किया जाता है कि सब पास होंगे, जो जॉब्स के झूठ बोले जाते हैं कि ये जॉब मिलेगा वो जॉब मिलेगा, पूरा स्कैम इन्वॉल्व इंजीनियरिंग के अराउंड रहता है। तो एक स्टूडेंट फंसता कैसे है इस स्कैम में? एक स्टूडेंट को कैसे कोई फंसाएगा? स्टूडेंट को मेनली नहीं फंसाया जाता है, इस स्कैम में ट्रैप किया जाता है पेरेंट्स को। स्कैम होता किस पे है? स्कैम होता उस पे जिसको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, तभी तो वो फंसता है ना। इसीलिए स्कैम होता है पेरेंट्स के ऊपर, उन्हें करियर चॉइसेस के बारे में फुल नॉलेज ही तो नहीं रहता, तो वैसे गलेबल पेरेंट्स को फंसा दिया जाता है स्कैम में। जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास सोसाइटी के पेरेंट्स लोग रहते हैं, उन्हें अभी भी बस दो ही चीज पता है, दो नहीं सॉरी तीन, कि क्या जॉब्स हैं, बोलेंगे इंजीनियरिंग या मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब, खत्म। और देखिए गलती पूरी उनकी भी नहीं है, हम लोग कंप्यूटर के एरा में पैदा हुए हैं, वो लोग नहीं, इंटरनेट के एरा में हम लोग पैदा हुए हैं, तो उनके पास तो उतना नॉलेज गेन करने का रास्ता भी नहीं था। होता यही है कि अब पेरेंट्स अपने काम में जाते हैं रोज, अब जब वो सुनते हैं अपने कलीग से कि मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग कर लिया है, अब आराम से कैलिफोर्निया यूएस में यूके में सेटल्ड है या ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, उन लोग सेटल सुनते ही पेरेंट्स का कान बजने लगता है, सेटल सेटल सेटल, इंडियन पेरेंट्स का मानने ट्रिगर वर्ड यही है सेटल। ऊपर से जब वो लोग कन्वर्टेड करेंसी सुनते हैं, अरे यूएस यूके में आदमी जाता है तो वहां के हिसाब से पैसा मिलेगा ना, वहां नॉर्मल आदमी को $5,000, जैसे यूएस में $5,000 मंथली, वहां नॉर्मल मिडिल क्लास मैन का यही सैलरी है $5,000, अराउंड 3.5 लाख रुपया आ रहा है। और सुनने में आता है कि शर्मा जी का लड़का गया है यूएस, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, सब पागल होने लगते ऑफिस में। अब घर जाकर सब अपने लड़की को देखते हैं कि ये निकम्मा, इसको भी भेजेंगे यूएस। उन्हें ये नहीं पता रहता कि पहली बात वो तो कन्वर्टेड रेट बोल रहे हैं, वहां तो कोई कारपेंटर भी काम करेगा, कारपेंटर को भी यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल ज्यादा वहां का सैलरी होगा, कन्वर्टेड रेट है या डॉलर ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक तो पहला स्कैम वही होता कि ज्यादातर जो पेरेंट्स एक्साइटेड रहते हैं पैसे के बारे में, वो बाहर का पैकेज सुन के परेशान रहते हैं, यही पेरेंट्स मिसलीड हो जाते हैं कि पैसा बहुत आएगा, मगर वो भी गलत रहते हैं और बच्चे को कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार सब लोग बाहर नहीं जाते, इंडिया ही में रहते हैं। और इंडिया में जैसे हम सब जानते हैं कि 80% इंजीनियर्स जो पढ़ के आते हैं, कितने को तो जॉब ही नहीं मिलता ऑन फेस, कितने को जॉब ही नहीं मिलता। इतने तो प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं आजकल, पहले तो बीए जो लोग करते थे आर्ट्स कॉमर्स, उन लोग को कहा जाता था कहीं भी कोई भी कॉलेज ले लेगा, मगर अब तो ये हो गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज इतना खुल चुका है प्राइवेट छोटा छोटा, किसी को भी एडमिशन दे देगा, कोई भी अंधा काना लूला एडुकेशन के मामले में लिटरली नहीं, किसी को भी एडमिशन दे देगा, इतना खराब हो चुका है। पहले एक प्रेस्टीज था 1970s में 1960s में, प्रेस्टीज था, इंजीनियर भाव था, अब भाव क्या? अब तो जो तो कोई भी मजाक में फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है मैंने इंजीनियर, अरे पढ़ाई करो यार, अभी तक इंजीनियर नहीं बने हो, एक चीज भी बनाए हो अभी तक सिवाय उस फेसबुक पोस्ट के। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा भी लड़का 1.5 लाख 1 लाख कमाएगा, सच्चाई यही होती है कि स्टार्टिंग रेंज 8,000 10,000 15,000, वो भी सबको नसीब नहीं होती है। और कितना खटाता है कंपनी, 8 घंटा 10 घंटा काम कराता है, और क्यों इतने कम में इतना खटाता क्यों है? क्योंकि इतने सारे जो है, कमी कहाँ है? कमी तो डॉक्टर लोग की है, डॉक्टर लोग अभी बहुत कमाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, उतने मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, कम डॉक्टर्स आते हैं तो भाव ज्यादा है, पैसा ज्यादा मिलता है उन लोग को, ऑल्दो काम भी ज्यादा ही रहता है, मगर यहाँ तो काम उतना ही रहता है मगर पैसा एकदम कम। अब आप बोलेंगे क्यों कम? कम इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर जब बोलेगा लड़के को, जब इंटरव्यू का वक्त आएगा, बोलेगा 8,000 रुपया देंगे, लड़का अगर बोलेगा नहीं और चाहिए, बोलेगा तुम्हारे बाजू में जो लड़का भी वेट कर रहा है तुम्हारा नेक्स्ट टर्न के लिए, वो 6,000 में रेडी है। होता तो ये ना, आदमी पागल रहता है, बस काम मिल जाए कोई तरीके से, स्ट्रगल
में तो इतने इंजीनियर्स हैं कि काम का रेट ही गिर चुका है। मजदूर लोग ज्यादा कमा लेते हैं, 30,000 रुपया महीना कमा ले रहे हैं। अभी आप मजदूर ढूंढने जाइए अपना घर बनवाने के लिए, वो ज्यादा चार्ज करेगा ना कि जो इंजीनियर कमाता है एक महीने में। ये हाल हो चुका है। इतना क्रेज अब पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गया कि अब अपने लड़के को इंजीनियर ही बनाना है। शर्मा जी कह चुके हैं कि उनका लड़का बहुत अच्छी लाइफ जी रहा, तो मुझे भी अपने लड़के को इंजीनियर ही बनाना है। ये लड़की को दिमाग में ठान लिए। अब उनका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और एकदम बिलीफ कंक्रीट। कब? जब वो देखते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता कोचिंग सेंटर्स का, 99% सक्सेस, 100% सक्सेस, 6,000 लड़का पास हुआ है। कितना माने, अनेक लड़का सब पास हुआ है हम लोग के कोचिंग से। और पेरेंट्स का दिमाग घूमने लगता है, पेरेंट्स पागल होने लगते हैं कि अगर 50,000 10,000 ही पास हो रहे हैं तो मेरा एक लड़का क्यों नहीं हो सकता है। तो अब बस कोचिंग के पीछे लग जाते हैं कि अब तुमको वही कोचिंग ज्वाइन करना है। अब यहाँ कहाँ स्कैम आ रहा है, कोचिंग ये बताता है कि कितने लड़के पास किए, ये नहीं बताता कि कितने फेल किए। कोचिंग सेंटर का नाम लेना सही नहीं है, स्यू कर देगा हमको लीगल केस में। तो फिलहाल हम भी एक कोचिंग में पढ़ते थे, मगर हम मेडिकल के लिए पढ़ते थे। वहाँ कहा गया था कि, कहा क्या गया, किताब उसके पीछे वो छापा जाता है पूरा बड़ा बड़ा कि 13,000 स्टूडेंट्स पास दिस ईयर इस एग्जाम में, AIPMT में 26,000 पास। हम वही सोचते हैं कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और उन लोग पास एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया 300-200 क्लास होंगे, इतना बड़ा नेटवर्क है लोग का मेडिकल का। तो सक्सेस रेट इस साल जो हम एग्जाम दिए थे AIPMT 2016, उसमें मेरे क्लासरूम से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ 2 100 में। उन लोग को भी एडवर्टाइजमेंट में डाला गया इस साल, इस पास साल के अखबार में कि इतने सारे पास हुए। वही हम सोच देख के हंस रहे थे कि इन लोग को दिया है, इतने लड़के पास किए, बड़ा बड़ा फोटो डाला हुआ है, मगर ये नहीं बता रहा है कि उस 100 में 2 पास हुए और 98 फेल हुए, ये कभी नहीं बोलेगा इन लोग। यहाँ ये मिसलीडिंग स्कैम पेरेंट्स को फंसा देता है, और स्टूडेंट्स को वैसे भी फंसना है। जब पेरेंट्स फंस गए अब हम लोग क्या करेंगे, बचपन से सिखाया गया है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, तो अब सुनना ही पड़ता है बात। और पेरेंट्स भी क्रीट एकदम वो लेके आते हैं कि नहीं देखो शर्मा जी कह दिए हैं, कोचिंग सेंटर कह रहा है। ये बात खत्म, अब आदमी कोचिंग सेंटर में आ गया, वहाँ आके परेशान, सब कोटा में आ रहे हैं, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर का हब तो कोटा है ना। कितना तो 2,00,000 ना 3,00,000 दो साल का कोर्स का लेते हैं उन लोग इंजीनियरिंग के लिए। आम कोचिंग सेंटर्स अराउंड 2-3 lakhs तो 2 साल के पैकेज का लेता ही है पढ़ाने के लिए। अब लिविंग एक्सपेंसेस अलग से 1.5 lakh rupees साल, इन टोटल समझिए आपका 6-8 lakh rupees कोचिंग ही में खर्चा हो जाएगा। और मजे की बात है IIT एग्जाम का आपको हम बता दे रहे हैं स्टैटिस्टिक। IIT एग्जाम इतना टफ है, इतना टफ है कि वहां सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। 1% ये दिमाग में घुसाइए अपने, 1% सक्सेस रेट। माने अगर आप 100 लड़के को बैठाइएगा उसमें सिर्फ एक पास होगा। अच्छा 100 को बैठाइए एक पास होगा, बहुत अच्छी बात, मगर पैसे तो सबके गए, उस एक के भी गए और 99 जो बचे उन लोग को भी पैसा लगा। और उम्मीद हर पेरेंट को कि मेरा लड़का क्रैक कर लेगा, मगर होगा एक का। यहाँ गलती किसकी, कोचिंग सेंटर की। क्यों मिसलीड किया, क्यों ये दिलासा दिलाया कि सबके बच्चे पास करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाने ही कौन बोल रहा है कि इतने लड़के पास किए हैं। किसको धूर बना रहे हो यार, सबको पता है तुम चाह रहे हो कि पेरेंट्स लालच में आके डाल दें। चलो वहां पैसे लग गए 6-8 lakh, लड़का कोटा से वापस आ गया, अब अपने अपने शहर के या कोई और शहर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां 3-4 lakh लग रहा है, 5 lakh पेरेंट दे दिए। सोचे शर्मा जी तो कह रहे हैं कि 1.5-2 lakh महीना मिल रहा है मेरे लड़के को, ये भी नालायक भी कमा के लायक हमको देगा कभी ना कभी, तो कोई प्राइवेट कॉलेज में करवा दिए, हमारे लोकल प्राइवेट कॉलेज ज्यादातर जो होता है, मैक्सिमम इंजीनियर्स यहाँ से निकलते हैं। अब जब कॉलेज में आ जाते हैं, अच्छा IIT का एक्सेप्टेंस रेट जो है 1% वन भी नहीं, सॉरी ये स्टेटिस्टिक हम निकाले हैं 2014 में, 13.6 lakh स्टूडेंट्स बैठे थे IIT JEE के लिए, 13 lakh स्टूडेंट बैठे थे सिर्फ, जिसमें 9,784 सीट्स अवेलेबल था हर IIT को जोड़ के, तो एक्सेप्टेंस रेट हुआ उस हिसाब से 0.7%। और जो बाहर के रिनाउंड कॉलेज हैं, रिनाउंड आईवी लीग कॉलेज, ब्राउन, कोलंबिया, कॉर्नेल, हार्वर्ड, पेन, प्रिंसटन, येल, उन लोग का एक्सेप्टेंस रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हार्वर्ड जिसका एक्सेप्टेंस रेट लोवेस्ट है, सबसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड, उसका एक्सेप्टेंस रेट 5.8% है, और एक IIT का 0.7%। माने एक तो भाव भी नहीं, मिलेगी नहीं कोई जॉब, पूरी जिंदगी नालायक ही कहलाते रह जाओगे, पैसा खा खा के बेहाल कर देंगे तुम्हें लोग, लड़का करेगा IIT। तो कोचिंग सेंटर अपना काम हो गया, प्राइवेट में अब ले लिया। अब प्रॉब्लम आती है टीचर्स की, वहां जो पढ़ाई, अरे आदमी पढ़ता है नॉलेज के लिए ना,
होता तो ये है, कितने अच्छे स्टूडेंट्स उन लोग कॉलेज में जाके फेल हो जाते हैं। अरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग फेल हो जाते हैं, फेल तो नहीं माने एकदम ही पढ़ाई में कचड़ा हो जाते हैं, और अपनी वजह से नहीं, वो लोग जाके बेहाल हो जाते हैं वहाँ का कंडीशन देखकर। इंजीनियरिंग कॉलेज फेमस है टीचर्स के लिए, लोग पता नहीं कहाँ से टीचर, हमको तो लगता है आर्ट्स टीचर को उठा के बोलता है इंजीनियरिंग बुक पढ़ लो और जाके पढ़ाओ, क्या लोग टीचर उठा के लाते हैं। मुश्किल से कॉलेज में एक या दो टीचर कायदे का होता है जिसे नॉलेज थोड़ी बहुत भी रहती है, मगर भाव भर के रहता है उसके अंदर, और बाकी टीचर्स लोग अरे तुम छोड़ दो यार किताब पढ़ ले रहे हैं, टीचर तुम चले जाओ किताब छोड़ दो वो बेहतर हम लोग समझ लेंगे खुद, ऐसे ऐसे टीचर्स आते हैं इंसान का दम ही टूट जाता है कि पढ़े तो पढ़े क्या ये पागल के साथ। अगेन हर टीचर वैसा नहीं होता है, मगर ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में यही होते हैं। ऊपर से एडुकेशन जो मिलता है अभी भी पुराना पुराना आइडियाज, जो अब पढ़ के मिलेगा क्या, इस नए डिजिटल वर्ल्ड में एनालॉग का आइडियाज मिलेगा, फालतू फालतू सब टॉपिक्स, और इतना फोकस लैब के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, और खाक प्रैक्टिकल कुछ सब तो कॉपीड आइटम रहता है, सब रोट लर्निंग पर भी मेन, कुछ सोचने का नहीं, कुछ खुद से बनाने का नहीं, खुद का दिमाग तो लगाने का नहीं, तो इंजीनियर क्या बना रहे हो, तुम तो किताबी कीड़ा बना रहे हो, खुद भी कुछ नहीं आता है, बच्चे को भी कुछ नहीं सिखा पाते हो, प्रैक्टिकल के नाम पे धब्बा। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट अभी ये सुन रहा होगा, सबसे गंदा चीज इंजीनियरिंग के बारे में अटेंडेंस, क्या अटेंडेंस से प्यार है कॉलेजेस को हमको समझ ही में नहीं आता है, 75% या 70% डिफर करता कॉलेजेस, क्या ये अटेंडेंस का मोहब्बत। एक तो इतने फालतू टीचर्स, ज्यादातर एकदम फालतू बकवास टीचर, स्टूडेंट बेहोश आता है क्लास में, इतना गंदा पढ़ाते हैं, ऊपर से फालतू एडुकेशन जिसमें कोई इंटरेस्ट भी आदमी का नहीं जगता है, सोचते हैं 12 के बाद कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नहीं वही पुराना ईयर 1600-1700 का थ्योरी पढ़ने मिलेगा, नया कुछ नहीं। अरे तुम्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, अगर तुम्हें नहीं तुम्हें अगर एंटरप्रेन्योर्स बनाना था तो तुम ऐसा नहीं करते, मगर यहाँ एंटरप्रेन्योर्स किसी को बनाने ही तो नहीं है, यहाँ तो सबको शीप बनाना है, शीप यहाँ भेड़ बकरी का धंधा चल रहा है ना, सब लोग को फालतू नॉलेज दे के निकालना कि लोग कंप्यूटर डेस्क जॉब लेके 8000 का, वो जो डिमांड बढ़ रहा है स्लेव्स का यूएस में या कहीं भी सऊदी में कि इंजीनियर चाहिए 8000 रुपया, स्लेव मेंटेलिटी यहाँ चल रहा है, सब समझ रहे हैं हो क्या रहा है, फालतू टीचर्स फालतू एडुकेशन, स्टूडेंट भी मिड लेवल, कुछ ज्यादा आता नहीं, जितना बुक से पढ़ा उतना ही आता है, तो वैसे ही जॉब फालतू फालतू, तो एक तरीके से स्लेवरी वाला काम चल रहा है यहाँ, स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकता, हाई लेवल में जो बॉस लोग हैं उन लोग चाहते ही कि ऐसे लोग आए जिन्हें कम दाम में हायर, खुद की क्रिएटिविटी तो गई, तो बचा क्या जो कॉलेज सिखाएगा, और कॉलेज तो वही सिखाएगा जो भेड़ बकरी मेंटालिटी जो सबको आता हो, कहा जाता है इंजीनियर लोग को बहुत कुछ पता, बहुत कुछ बना लेते हैं, अंडा आधे आधे को कुछ सिखाता ही नहीं तो सीखेंगे क्या। तो जब इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, बीटेक मिल जाता है, अब लोग रियलिटी फेस करते हैं, जब नहीं मिलती है वो 1.5 लाख वाली जॉब, जब वो इज्जत जो सोचे थे मिलेगा, जब वो गाड़ी बंगला सोचे थे मिलेगा, जो पेरेंट्स सोचे थे मिलेगा नहीं मिलता है, सबका दिल टूट जाता है, पेरेंट्स का भी स्टूडेंट का भी, मगर जिसको नोट कमाना था स्कैम आर्टिस्ट लोग उल्लू कमा लिए, और जिसको धूर बनना था वो भी बन गया, यही होता है। अब कितने लोग पूरी जिंदगी अपने वही 8-10-15 हज़ार रुपए वाले जॉब से कंटिन्यू करते हैं, मगर ये ऐसी चीज है अब पूरी जिंदगी भी अभी कंटिन्यू नहीं कर पाता मिड रेंज इंजीनियरिंग जॉब, क्योंकि जब वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता 40-45 ईयर्स, तो कंपनी वाला आता बोलता कि देखो तुम्हारे पास भी बीटेक डिग्री है, तुमको भी ये काम पता है, मेरे पास एक और लड़का है तुम 45 को वो 18 का है, उसके पास बीटेक डिग्री उसको तुमसे ज्यादा पता है, तो हम तुमको क्यों रखें, बस निकाल देता है। तो जॉब सेफ्टी भी नहीं है, अब ऐसा मामला हो चुका है, इतना भीड़, तो इतना हम जो बाकी, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम एक स्कैम बना हुआ है। अब इस स्कैम को कैसे तोड़ें, कैसे हटाएं, स्कैम को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपना माइंड तो पहले क्लियर कर लिए, इसको समझ लिए कि ये स्कैम है, और अपने जब आप क्लियर हो चुके हैं कि यस दिस इज नॉट इंजीनियरिंग, दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज टू लर्न टू डू, ये इंजीनियरिंग नहीं कराया जा रहा है, यहाँ भेड़ बकरी बनाया जा रहा है, जब आप समझ गए हैं इस चीज को अपने माँ बाप को समझाइए, अगर उन लोग फोर्स कर रहे हैं डरिए मत, ये आपका फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि जब सुसाइड रेट देखिए इतना सुसाइड्स होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, शुरू से दब दब के चलते हैं, नहीं भी करना होगा इंजीनियरिंग चुपचाप कर लेते हैं माँ बाप की बात सुन के, हर चीज चुप 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 चुप, लास्ट में फट जाता आदमी, नहीं तो क्या होता भाई, सुसाइड ही कर लो पहले ही स्टेज में। देखो जिसको करना है, तुम में से जिसको करना है इंजीनियरिंग, तो तुम जानते होगे कि यहाँ उतना पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा चाहिए तो बाहर जाओ, सिंपल एज दैट। तो अगर पैशन है तो करो, दिल से करो, तुमको चाहत तो तुम कर लोगे, मगर जो लोग को चाहत नहीं
नहीं है, ये मेन टॉपिक उनके लिए है, भेड़ बकरी की तरह इसको यूज किया जा रहा, वो अपने पेरेंट्स को ये चीज समझाएं, दिखाएं, बताएं कि ये स्कैम है, आप समझिए। और मेरी भी वो चाहत नहीं, और अगर आप चाहते हैं पैसा ही कमाना, कि हम पैसा कमाएं और सेटल हो जाएं, तो हजार ऑप्शंस हैं लाइफ में। आप लोग खुद रिसर्च करिए इंटरनेट पे। एक बात हमेशा याद रखिए, ये बहुत सारे वीडियोस में बोल चुके, अभी भी बोलेंगे हम, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज में करिए, चाहे कम ही पैसा क्यों ना हो, क्योंकि आप उस चीज में जरूर एक्सेल करिएगा। और जो लोग एक्सेल करते हैं, जिस चीज में एक्सेलेंट होते हैं, उन्हें पैसा मिलता ही मिलता है। सक्सेस और मनी बोथ कम हैंड इन हैंड। एक्सपर्ट्स लोग आर हाईली पेड। तो आपको जब चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप सक्सेस भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, भूल ही जाइए। स्टूडेंट्स को खुद जान के रखना चाहिए कि कितने जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स और ये कॉलेजेस का कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग खुद कैंसर की तरह हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड होंगे, इनकी ग्रोथ आप नहीं रोक सकते हैं, मगर आप इनसे बच सकते हैं। और इनसे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि स्कैम में इनके मत फंसिए। और कैसे स्कैम में नहीं फंसते हैं, नॉलेज, जब आपको कोई भेड़ बकरी बना ही नहीं सकता कि आपका माइंड क्लियर है कि हमको ये करना है, और आप अपने जब क्लियर रहिएगा, आप अपने पेरेंट्स को भी क्लियरली समझा सकते हैं, और आपके पेरेंट्स, यकीन मानिए मेरा, आपके दुश्मन नहीं है। अगर आप क्लियरली उन्हें समझाएं कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, वो जरूर समझेंगे। वो अपने भले के लिए नहीं करवाते, वो आप ही के लिए करवाते हैं। और जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि आपको पता है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो वो भी कंटेंट हो जाएंगे। जितने भी कोचिंग सेंटर्स खुले, जितने भी कॉलेजेस खुले, झूठ बोले आपके पेरेंट्स आपसे, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपको करना क्या है। जिन्हें इंजीनियरिंग करना है, वो पैशन से, वो ये जानेंगे कि हाँ, जानते हैं 1,00,000 का जॉब नहीं मिलेगा हमको, हम जानते हैं हमको 8,000 का नौकरी मिलेगा, 10,000 का, मगर क्योंकि मेरे पैशन है तो हम करेंगे, तो वो लोग इंजीनियरिंग करेंगे। तो जितना भी एड देख ले, वो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनके माँ बाप को भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब उन्हें कोई यकीन होगा अपने खुद के बच्चे में कि मेरा बच्चा जानता है वो क्या कर रहा है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, तो उन लोग भी कंटेंट, आप भी कंटेंट, और स्कैम आर्टिस्ट परेशान। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई करियर रिलेटेड वीडियो देखना है, करियर में हेल्प के लिए कोई वीडियो देखना है, तो ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप शेयर करिए, क्योंकि हमको अपने वीडियोस में लाइक्स या व्यूज ज्यादा चाहिए। ये वीडियो का मकसद तो ये है कि हम चाहते हैं कि लोगों की आंखें खुलें। आप तो सोचते होंगे शायद आपको पता हो ये सब बातें, मगर कितने को नहीं पता है, कितने अभी भी अंधे बन के घुसे रहते हैं। पूरा क्लासरूम इंजीनियर बनना मांग रहा है, तो हम भी इंजीनियर ही बनेंगे। एकदम गलत, पूरा रॉन्ग माइंडसेट। इस माइंडसेट को तोड़ने में आप मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके कुछ व्यूज हैं, जरूर कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, तब होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।